हमें कुछ इस तरीके का सिमिलर सा बनाना है, राइट। हमने HTML कर रखा है, इसका स्ट्रक्चर बेसिक्स एलिमेंट जो हमने इसमें यूज करना था वो लगा रखा है। अब इसकी डिजाइनिंग पर चलते हैं, और डिजाइनिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, CSS, कैस्केड स्टाइल सीट, CSS। जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड काम होगा हम कहाँ कर रहे होंगे, CSS में, ओके। तो CSS का हम आज बेसिक्स देख रहे होंगे, किस तरीके से हमारा CSS काम करता है और कैसे हम डिजाइन करते हैं CSS से, क्योंकि हमने HTML ऑलरेडी लिख रखा है और CSS अब लिखेंगे। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं वेब डेवलपमेंट जो हमारा फोल्डर है इसको अपने VS कोड एडिटर में खोल लेता हूँ, एंड आई होप आपका ऑलरेडी खुला हुआ होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर देखिए इस पर आऊँगा, यहाँ लिखूँगा, देखिए कैसे खोलने का बहुत सारा तरीका है जो आप VS कोड एडिटर खोलेंगे, सर्च करके भी खोल सकते हैं, डायरेक्ट खोल सकते हैं, ठीक है। मैं वेब डेवलपमेंट में आऊँगा, यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं हटाऊँगा बैक स्पेस और लिखूँगा CMD, तो यहाँ पर खुल जाएगा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। ये देखो हो गया कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड एक स्पेस लगा करके डॉट और एंटर ले लूँगा, इससे क्या होगा मेरा VS कोड एडिटर में खुल जाएगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट को मैं तब तक क्लोज कर देता हूँ, ओके ये क्लोज हो गया। अब ये माई ट्वीट डॉट HTML, यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा था, राइट। तो अगर इसका हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करें इस पर, तो ये देखिए ये आ गया, हमारा पिक्चर आ रहा है और एट द रेट अंकित आर्या सैम और ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आई लव टीचिंग यू HTML एंड CSS गाइस। अब जो हम CSS लिखेंगे, ज़रा इसको जूम करते हैं ना, बड़ा करते हैं, जो भी हम CSS लिखेंगे ध्यान रखिए CSS लिखना है हमें, ठीक है। तो CSS लिखने के लिए हम एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है स्टाइल टैग। वो स्टाइल टैग यूज होता है इस हेड टैग के अंदर, जैसे इस हेड टैग के अंदर टाइटल यूज हुआ है ना, इसके अंदर मैं एक यूज करूँगा इस तरीके से स्टाइल टैग। ये स्टाइल टैग का यह मतलब है कि इसके अंदर हम CSS का कोड लिख रहे होंगे, CSS कैस्केड स्टाइल सीट, उसकी डिजाइनिंग के लिए। तो अब ध्यान रखिए हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है, ओके ग्रेट जी, हमें डिज़ाइन करना है इस फोटो को। ये फोटो बहुत बड़ा है, राइट, ये पिक्चर बहुत बड़ा है, ये इमेज बहुत बड़ा है, इसको हमें छोटा करना है, ओके। मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ सेलेक्टर्स इमेज, हमें क्या चेंज करना है, क्या एडिट करना है, क्या डिज़ाइन करना है इमेज। क्या ये IMG टैग है? डेफिनेटली है। यहाँ पर मैं आऊँगा, ओके, इस स्टाइल में लिखूंगा इमेज, इसको बोलते हैं सेलेक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं सेलेक्टर्स। हमने इमेज को कर लिया सेलेक्ट, ऐसे लिखने का मतलब। अब आप वहां पर जाकर के, यहां पर जाकर के इसको छोटा बड़ा तो कर नहीं सकते, CSS के थ्रू कर रहे हैं छोटा बड़ा। तो सबसे पहले मुझे उस टैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस एलिमेंट को मैं डिजाइन करना चाहता हूं। तो मैं कौन से एलिमेंट को डिजाइन करना चाहता हूँ, इस इमेज को। तो इस इमेज के लिए कौन सा टैग यूज हुआ है, ये IMG टैग। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यस मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये होता है सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स, CSS सेलेक्टर्स बोलते हैं इसको। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया किसको, इमेज टैग को। अब इसी इमेज टैग को हमें छोटा बड़ा करना है ना। अरे आप सुपरमार्केट गए, आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो प्रोडक्ट आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता है ना, हाँ भाई ये लो, सेलेक्ट किया मैंने, बास्केट में रखा, यस और नो यार, कम ऑन। तो हमें चेंज करना है इमेज को, और हमने उस इमेज एलिमेंट के लिए क्या सेलेक्ट किया, इमेज टैग, इमेज टैग सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कैसे, सबसे पहले मैं करता हूँ इसकी विड्थ, विड्थ हमने लिखा, देखिए कॉमा दिया, विड्थ लेट्स से मैंने दिया 220 पिक्सल, ठीक है, एंड कंट्रोल एस। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, आ जाइए यहाँ। क्या ये पिक्चर छोटा हो गया? डेफिनेटली। अब जब ये पिक्चर छोटा हो गया, इसके एजेज बहुत शार्प हैं, है ना, ये एजेज बहुत शार्प हैं, राइट, ये बहुत बहुत तीखा लग रहा है एजेज, राइट। इसको थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इंटर लेंगे, इसी इमेज को करना है ना, राइट। तो इसी इमेज में आएंगे यहीं पर, ठीक है, इसी इमेज में लिखेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से जो मैं लिखूंगा उस तरीके से लिखना, बॉर्डर डैश रेडियस, ओके, बॉर्डर डैश रेडियस कोलन, सेमी कोलन नहीं, कोलन, कोलन क्या लिखूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा 110 पिक्सल, ठीक है। ऐसा क्यों, विड्थ का अगर आप आधा देते हैं, ये जो विड्थ है उसका 50% अगर आप बॉर्डर रेडियस में वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, तो राउंड बन जाता है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगेन देखिए
क्या हमारा पिक्चर राउंड बन गया, क्या हमारा पिक्चर राउंड बन गया, अब मजा आ रहा है आपको। अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से समझाता हूं। देखिए, पहले तो CSS लिखना है, कहां लिखना है, इस स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। ये इमेज टैग क्या होता है, IMG जो हमने यहां पर लिख रखा है, सेलेक्टर्स है, सेलेक्ट कर लिया। इस सेलेक्टर के अंदर हम लिखेंगे CSS, मतलब ये CSS लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ये वाली जो लाइन है ना, ये CSS है, ओके, ये CSS है। अब इसको बोलते हैं CSS डिक्लेरेशन विड्थ, और ये जो 2020 यहां तक जो पिक्सल है, इसको क्या बोल रहे हैं, CSS डिक्लेरेशन। इस CSS डिक्लेरेशन में दो पार्ट हैं, आप देख सकते हो, एक ये लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है विड्थ, और राइट साइड जो आपको दिख रहा है 220 पिक्सल। इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट को बोल रहे होते हैं प्रॉपर्टी, और इसको बोल रहे होते हैं वैल्यू। एक प्रॉपर्टी होती है और उसका हमें वैल्यू देना पड़ता है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 420 पिक्सल एंड सेव करूँ, तो 420 पिक्सल इज़ अ बिग पिक्सल, राइट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज में। जैसे मैं चेक करूँ अपना, क्या ये मुझे बड़ा मिल रहा है, देखिए, अब जब ये बढ़ा तो ये राउंड नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 110 पिक्सल है। अगर मुझे इसको राउंड बनाना है तो मैं 420 पिक्सल का आधा बॉर्डर रेडियस का वैल्यू रखूँगा, मतलब यहाँ पर 210 पिक्सल, एंड कंट्रोल एस। क्या अब मुझे राउंड मिलेगा, सी, जो विड्थ होगा उसका 50% अगर आप बॉर्डर रेडियस डालेंगे तो क्या होगा, उस केस में आपको राउंड पिक्चर मिलेगा, राउंड इमेज मिलेगा। तो क्या आपकी बात समझ में आ, सॉरी, मेरी बात क्या आपको समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या होता है CSS कैसे लिख रहे होते हैं। तो मैं इसको छोटा रहने देता हूं, मैं कर देता हूं 220 पिक्सल 110 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, तो अब ये फिर से वापस से वही सेट हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। देखिए, विड्थ क्या है, प्रॉपर्टी है, 220 पिक्सल क्या है, वैल्यू है। ये एक CSS डिक्लेरेशन है, ये बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी है, 110 पिक्सल एक वैल्यू है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक लेकर के क्या है, एक CSS डिक्लेरेशन है। एक CSS डिक्लेरेशन को टर्मिनेट करने के लिए जब आप काम कर लेंगे तो उसमें लगता है एक सेमी कॉलन, क्या लगता है, एक सेमी कॉलन, ओके, यहां पर लगा हुआ है, राइट, कि हाँ भाई एक लाइन मेरा डिक्लेरेशन का खत्म हो गया, तो हमने सेमी कॉलन लगा के नीचे लिख दिया, ये ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा, प्रॉपर्टी और वैल्यू को यहां पर इक्वल टू डाल करके एक्स इक्वल टू 5, इक्वल टू नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा कॉलन, इससे सेपरेट करेंगे। अ प्रॉपर्टी और अ वैल्यू ऑफ CSS डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाई अ कॉलन, ओके, इसके दोनों के बीच में हम कॉलन दे देंगे, तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू। फाइन यार, क्या समझ में आई मेरी बात, आपको समझ में आई, ग्रेट। अब यहां से ये जो लिखावट है ना, ये अभी भी नीचे आ रहा है, इसको मुझे राइट साइड करना है, राइट, इसको मुझे राइट साइड करना होगा ना, डेफिनेटली राइट साइड करना है। तो मुझे राइट साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, मुझे राइट साइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, मतलब भाई रहो, फ्लोट करो, कहाँ, तो तुम लेफ्ट साइड एंड सेव इट, तो ये लेफ्ट हो जाएगा इमेज, और इससे रिलेवेंट में जो प्रॉपर्टीज होंगी, चलो वो देखिए, क्या ये पिक्चर लेफ्ट साइड हो गया, और ये हमारा लिखावट जो है, जो भी हमने पैराग्राफ लिया था, वो इसके राइट साइड में आकर के सेट हो गया, यस और नो यार, हो गया, ओके, ग्रेट। अब देखिए, इसके बीच में जो गैपिंग है वो काफ़ी कम है, राइट, ये काफ़ी कम है, क्या आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, क्या बहुत कम है, यस डेफिनेटली। मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूँगा जिसका नाम है मार्जिन, चौथाई, थोड़ा सा जगह दो, डैश राइट साइड से, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इमेज सेलेक्टर में हूँ, मैंने इमेज को सेलेक्ट किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ अपने इमेज एलिमेंट से, अरे इमेज एलिमेंट भैया, अरे इमेज एलिमेंट भैया, जो भी आपका इमेज है ना, उसका जो राइट साइड है, मतलब ये वाला साइड, उससे मुझे मार्जिन चाहिए, कितनी मार्जिन चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ, मुझे चाहिए 24 पिक्सल की मार्जिन, 24 पिक्सल एंड पुट अ सेमी कॉलन, सेव इट, CR, क्या अब वही चीज़ हमें साइड में होकर दिखाई दे रही है, आर यू सीइंग इट, क्या मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सी,
ठीक है, हो रहा है काम। ये पिक्चर अभी बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, इस पिक्चर को मैं थोड़ा और छोटा करूँगा, 220 पिक्सल से मैं 180 पिक्सल कर देता हूँ। हियर आई विल चेंज जस्ट इट टू 90 पिक्सल एंड कंट्रोल एस सी। अब क्या वही चीज़ थोड़ा और अच्छा लगने लगा? यस, साइज के ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है, राइट। ओके जी, अब इसको मुझे बोल्ड करना है, एट द रेट अंकित आर्या सैम, ये जो लिखा हुआ है, वन सेकेंड, इस ये एट द रेट अंकित आर्या सैम है ना, इसको मैं लिखता हूँ एट द रेट अंकित आर्या सैम एंड सेव इट। मैंने किया सेव, तो ये एट द रेट अंकित आर्या सैम अब ये छोटा हो गया, ठीक है, सब कुछ एक ही में ही। इसको मुझे बोल्ड करना है, राइट, क्योंकि यूजर नेम जो होगा वो बोल्ड दिखना चाहिए। बोल्ड करने के लिए देखिए मुझे क्या बोल्ड करना है, समझिए समझिए, ध्यान दिमाग लगाइए। वहाँ पर हमें इमेज को ऐसा बनाना था, तो हमने इमेज सेलेक्टर का प्रयोग किया है ना, IMG सेलेक्टर। अब इस बार हमें, ठीक है, क्या चेंज करना है, ये पैराग्राफ को बोल्ड करना है, राइट, यस और नो यार? यस। तो पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए मुझे फिर से पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या समझ में आया? पैराग्राफ पर डिजाइनिंग चेंज करनी है, पैराग्राफ पर CSS लिखना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, पैराग्राफ को क्या कर रहे होंगे, डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके नीचे आएंगे, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये इमेज का है, ठीक है, इसके नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे पी, मतलब हमने किया पैराग्राफ को सेलेक्ट। अब मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बोला फॉन्ट डैश वेट कितना, बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाओ। ये फॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी है, बोल्ड एक वैल्यू है, सेट सेव इट कंट्रोल एस। क्या पैराग्राफ बोल्ड हो गया, बट उसके साथ दोनों पैराग्राफ बोल्ड हो गया। एक चीज और, ये बहुत छोटा दिख रहा है, राइट, इसको बड़ा करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे, यहां पर नीचे आइए, लिखिए फॉन्ट डैश साइज 36 पिक्सल एंड कंट्रोल एस। क्या ये काफ़ी बड़ा हो गया? यस, इतना बड़ा नहीं चाहिए, अभी भी हमें 24 पिक्सल कंट्रोल एस। क्या ये अब सही है? बिल्कुल सही है, बट एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूँ सिर्फ एट द रेट अंकित आर्या सैम बोल्ड रहे, ये बोल्ड ना रहे। मैं क्या चाहता हूँ, एट द रेट अंकित आर्या सैम बोल्ड रहे, ये बोल्ड ना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, आपको सिर्फ एक ही चीज़ को बोल्ड रखना है। कौन से पैराग्राफ को? फर्स्ट वाले पैराग्राफ को। तो इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ पर कुछ ऐसा कैटेगरी टाइप हमें डालना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, जो आप फ्लिपकार्ट अमेजन पर शॉप कर रहे होते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर कैटेगरी का सेक्शन आता है, मेंस वेयर, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप शॉप करते हैं डेफिनेटली। तो आप ये जो पैराग्राफ आप एडिट करेंगे ना, पैराग्राफ जो आप बोल्ड करना चाहते हैं, अभी CSS सेलेक्टर ने, ये जो सेलेक्टर है यहाँ पर लिखा हुआ, इसने क्या किया है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में, आपके इस HTML पर, इस HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हैं, वन सेकेंड, इसको मैं आपके इस HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हैं सभी को सेलेक्ट कर लिया है, राइट। तो इसमें दो पैराग्राफ हैं, तो दो पैराग्राफ हैं तो दोनों को सेलेक्ट करके दोनों पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने वही प्रॉपर्टी और लिखा है इसमें। यस और नो यार? यस। मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट को एक रोल नंबर दे दूँगा। अगर मेरे क्लास में दो बच्चे सेम नाम के हैं तो मैं उनको एक यूजर आईडी, एक रोल नंबर दे दूँगा, रोल नंबर वन, रोल नंबर टू। कहूँगा रोल नंबर वन अंकित इधर आओ, रोल नंबर टू अंकित इधर आओ, हो सकता है। यस, तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ पर किसको हमें बोल्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ इस एट द रेट अंकित आर्या सैम को। यस, ये पैराग्राफ को, तो इस एलिमेंट को हमें बोल्ड करना है। तो एलिमेंट हमारा कौन है? ये पैराग्राफ, राइट। तो इस टैग में आकर के मैं एक अट्रीब्यूट का यूज करूंगा जिसका नाम है क्लास। मैं एक अट्रीब्यूट का यूज करूंगा जिसका नाम है क्लास, क्लास इक्वल टू, और इक्वल टू देने के बाद मैं ये डबल कोटेशन दे दूंगा। इस डबल कोटेशन में मैं एक कैटेगरी का नाम बना देता हूं, एक क्लास का नाम बना देता हूं, लिख देता हूं यूजर नेम। अब यूजर नेम कंट्रोल एस करते हैं, ऊपर आते हैं, यहां पर पी डॉट यूजर नेम।
अब पी डॉट यूजर नेम लिखा, कंट्रोल एस करते हैं, देखिए बहुत जादुई सी चीज होगी, सिर्फ और सिर्फ एट द रेट अंकित आर्या सैम बोल्ड हुआ और इस पर कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है, इसीलिए ये छोटा भी दिख रहा है बाय डिफॉल्ट और बोल्ड भी नहीं दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो पी डॉट यूजर नेम है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ के उस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो जो डॉट यूजर नेम, मतलब जो यूजर नेम क्लास अट्रीब्यूट से बंधे हुए हैं। तो क्लास यूजर नेम अट्रीब्यूट कहाँ है, यूजर नेम वैल्यू कहाँ है इस क्लास अट्रीब्यूट की, इस पैराग्राफ पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने कहा क्लास 10 के रोल नंबर 5 को बुला ले आइए, कैटेगरी समझ गया, क्लास 11 के रोल नंबर 12 को लेकर के आइए। हे सीएसएस सेलेक्टर, मैं इस कोड के थ्रू ये कह रहा हूँ कि मेरे सीएसएस प्यारे भैया, एक काम कीजिए, आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन कौन से पैराग्राफ को, जिसमें क्लास इक्वल टू यूजर नेम लिखा हुआ है, जो यूजर नेम कैटेगरी का है, आप क्लास वैसा सोच सकते हैं, क्लास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, क्लास में डिवाइड है ना, यस समझ गए। तो यूजर नेम क्लास एक कैटेगरी आपको एक तरह से दे रहा है जो इस एट द रेट अंकित आर्या सैम पर अप्लाई हो रहा है। अब डॉट यूजर नेम के लिए ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, राइट, यस और नो यार, यस। अगर मैं इसी सेम क्लास को इस पैराग्राफ पर भी लगा दूं, क्लास इक्वल टू यूजर नेम एंड कंट्रोल एस प्रेस कर दूं, क्लास इक्वल टू यूजर नेम और कंट्रोल एस प्रेस कर दूं, तो क्या ये भी हमारा फिर से बोल्ड हो गया और ये भी बड़ा हो गया, इस पर भी वही सी एस एस अप्लाई हुई। मैंने कहा हे पैराग्राफ भैया, इस पैराग्राफ पर भी एक अप्लाई कर दो सी एस एस, जो क्लास इक्वल टू यूजर नेम है ये कैटेगरी अप्लाई कर दो, और इसमें ऊपर लिखा हुआ होगा सी एस एस क्या, पी डॉट यूजर नेम, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ 36 पिक्सल एंड कंट्रोल एस, तो ये फिर से दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, देखिए ठीक है, क्या समझ में आया। यहाँ पर मैं 24 पिक्सल रहने देता हूँ। दूसरी बात, हम ये जो पी डॉट है ना, इसको मिटा भी सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ डॉट यूजर नेम लिख सकते हैं। डॉट यूजर नेम और पी डॉट यूजर नेम का मतलब सेम है कि भाई सेलेक्ट करो कौन से क्लास को, इस यूजर नेम क्लास को सेलेक्ट करो, क्या समझ में आया, सेलेक्ट करो पर कौन से क्लास को सेलेक्ट करो, इस यूजर नेम क्लास को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया, तो अब जब सी एस एस सेलेक्ट करने जाएगा, ठीक है, तो इसको दो यूजर नेम मिलेगा, ये लो भाई दोनों को खरीद लिया। तो जब दो यूजर नेम नाम का इसको क्लास मिलेगा है ना, तो दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा और उसमें जो भी आप करोगे काम इस यूजर नेम के अंदर सब कुछ लिख देगा, है ना। अरे यार सिंपल सी बात है, देखिए हमने कहा आपके स्कूल में क्लास 10 के चार सेक्शन है, ए बी सी डी, चार सेक्शन ऑफ क्लास 10। आपके प्रिंसिपल ने आकर के बोला, दूर से ही बोला, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स बाहर आइए, सारे सेक्शन जाएंगे बाहर, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला ना कि क्लास 10 का ए सेक्शन, क्लास 10 का बी सेक्शन, क्या समझ में आया, ठीक है। तो क्लास 10 पी था, जितने भी पैराग्राफ होते हैं सब में वो चीज़ें अप्लाई हो जाती जो आप यहाँ लिख रहे होते। अब हमने बोला क्लास 10 का ए सेक्शन बाहर आओ, तो क्लास एक क्लास 10 का ए सेक्शन यूजर नेम हो गया, समझ रहे हो, सेक्शन यूजर नेम, कैटेगरी डिवाइड हो गया, यूजर नेम आया। हमने बोला क्लास 10 का बी सेक्शन भी आ जाओ, ये लो भाई बी सेक्शन भी आ गया। इस यूजर नेम को अगर मैं चेंज कर दूं कुछ और से, लेट से कैप्शन, एक पोस्ट में कैप्शन भी होता है, सेव कंट्रोल एस, क्या अब ये रहा बोल्ड, नहीं, क्योंकि सी एस एस सेलेक्टर ने जब सेलेक्ट करने देखा तो उसने देखा कि भाई डॉट यूजर नेम ही बस मेरा को एक सी एस एस लिखा गया है, तो मैं डॉट यूजर नेम क्लास को सेलेक्ट करूंगा और उस पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मेरे पास कैप्शन नाम का कोई भी क्लास नहीं मिला है। ओके जी, यहाँ आऊँगा, मुझे कैप्शन भी बदलना है, मैं लिखूँगा डॉट कैप्शन,
सेलेक्टर्स, सी एस एस सेलेक्टर्स, अगेन ये हो गया, मैंने हिट किया इस तरीके से, अलग किया, यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने 24 पिक्सल, इसमें इसको भी 24 पिक्सल का कर देते हैं, बस इसको बोल्ड नहीं करा, देखा मैंने यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड किया यूजर ने में, पर यहाँ पर हमने बोल्ड नहीं करा है, ओके जी ग्रेट। क्या अब आ गया एट द रेट अंकित आर्य असम, आई लव टीचिंग यू HTML एंड CSS गाइस, कम ऑन, क्या समझ में आ रहा है, ये बड़ा हुआ क्या, ये बड़ा हुआ अब, क्या अब आपको समझ में आ गई, अच्छा आपने कहा कि थोड़ा और छोटा कर देते हैं 22 पिक्सल इसको, तो क्या अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अब और अच्छा लग रहा है, तो 22 पिक्सल हमने इसको कर दिया। तो ये था CSS सेलेक्टर्स की कहानी, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है ना, ये सिंपल सी बात है, हमने कहा भाई इमेज को सेलेक्ट करो, ओके जी इमेज टैग, हमने कहा सारे के सारे उन क्लासेस को सेलेक्ट करो जो डॉट यूजर नेम, जो यूजर नेम नाम का है, तो डॉट का मतलब क्लास और ये क्लास का नाम हो गया, ऐसा समझिए, ठीक है, तो जो भी क्लास अट्रीब्यूट यूज हुआ है इस यूजर नेम नाम का यहां पर लग जाएगा, कैप्शन नाम का लग जाएगा। अब आप इस क्लास इक्वल टू कैप्शन को कहीं पर भी लिख देंगे किसी भी टैग में, तो ये जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अप्लाई हो जाएगी, क्या अब समझ में आया, तो फॉन्ट साइज 22 पिक्सल हो जाएगी उन सभी टैग्स के लिए जहां पर क्लास इक्वल टू कैप्शन होगा। तो इस तरीके से CSS लिखते हैं, हमने क्या ऐसा कुछ सिमिलर सा अचीव किया, यस और नो यार, आई थिंक हमने कर लिया, फाइन, क्या आपको बात समझ में आई किस तरीके से हम इसको लिख बना रहे होंगे, क्या आप कोड करेंगे खुद से इसको, CSS को कहाँ कोड करना है, तो स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग कहाँ लिखेंगे, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर स्टाइल लिखेंगे, इस स्टाइल के अंदर हम सारा का सारा CSS लिख देंगे, ये जो लिखा हुआ है CSS डिक्लेरेशन इसको बोल रहे होते हैं। एक CSS डिक्लेरेशन दो चीज़ों से बनता है, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू, ये इसकी प्रॉपर्टी है लेफ्ट साइड वाली, ये इसकी वैल्यू है, ओके, और इसको सेपरेट किया जाता है प्रॉपर्टी और वैल्यू को, कैसे, एक कॉलन से और सेमी कॉलन से लाइन टर्मिनेट कर देते हैं कि हाँ एक लाइन का काम हो गया, ओके जी, यहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, आप बोलेंगे क्या ये प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, आप इतना बार कोड करेंगे ये आपके जहन में बैठ जाएगा, ओके, चलिए जी समझ में आया, डॉट यूजर नेम सेलेक्टर्स होता है, एक जो इमेज है ये क्या है, ये टैग सेलेक्टर हो गया, सेलेक्ट कर रहे हैं हम टैग के नाम से, डायरेक्ट टैग के नाम से, ये क्या हुआ अट्रीब्यूट सेलेक्टर में आपका, ये अट्रीब्यूट क्लास क्या है अट्रीब्यूट, ओके, तो ये क्लास सेलेक्टर्स, क्लास को सेलेक्ट किया इसने, जो भी क्लास अप्लाई हो रहा है जिस भी टैग पर उसकी प्रॉपर्टी बदल देगा, फाइन, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा CSS कैसे काम करता है और कैसे अपना फर्स्ट CSS लिख रहे होंगे और इसको डिजाइन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।